हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको रेसिपी दूंगी मैक्रोनी की। मैक्रोनी हर घर में बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और सबको बनानी भी आती है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है एक दूसरे की रेसिपी देख के। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैंने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में ले लिया मैंने पानी। पानी जब उबलने लग जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच तेल के और थोड़ा सा नमक। और अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने हिसाब से मैक्रोनी। आप हम लोग 5 लोग हैं तो मैं 5 कटोरी मैक्रोनी ले लूँगी। आप जितना घटा बढ़ा सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से। और मेरे घर में बच्चे मैक्रोनी पास्ता ज़्यादा खाते हैं तो मैं सूजी का प्रेफर करती हूँ। सूजी का मैक्रोनी मैं लेती हूँ, पास्ता भी मैं वही लेती हूँ। और जब मैं इसके लिए मैं मसालों के लिए ले लूँगी तो टमाटर 3 प्याज और थोड़े से ले लूँगी मैं लहसुन। लहसुन का तड़का लगाएंगे। अब मैक्रोनी हमने उबाल के ले ली है साइड में, यह पास्ता सॉस और थोड़ी सी ले लेंगे हम। ये मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और इसे रफली चॉप कर लिया है, बारीक बारीक मैंने लहसुन काट लिया है। अब चलते बनाने की तरफ। अब मैंने कढ़ाई ले ली है बड़ी, कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल। तेल में मैंने डाल दिया पहले लहसुन। लहसुन को ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस थोड़ी सी उसकी खुशबू आने लग जाए। और फिर मैंने डाल दिया प्याज जो मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ है। अगर आप भी पास्ता, मैगी कुछ भी खाते हैं तो सूजी की यूज़ करें, सूजी गेहूँ की, आटे की, क्योंकि हमारे को जो हम मैदा यूज़ करते हैं तो मैदा हमें ज़्यादा ही नहीं खाना चाहिए। बच्चे वैसे भी मैगी पास्ता बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आटे की और सूजी का आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है प्याज, तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर जो मैंने मिक्सी में पीस के रखा था। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्की सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, बस। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, सॉरी ये मैंने इसमें डाल दिया है सॉस, टमाटो केचप मतलब। अब मैं इसमें डाल दूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होती है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप पिज़्ज़ा का जो पास्ते का जो मसाला आता है आप वो भी डाल सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता स्वाद में। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और इसे चला लूँगी थोड़ी देर, जब तक मसाला अच्छी तरह नहीं पक जाएगा। मसाला अच्छी तरह हमारा पक गया है, साइड से तेल इसने छोड़ दिया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध। दूध डालने से ऐसा होता है कि जो हमारा मसाला होता है वो हमारे मैक्रोनी में अच्छी तरह से चिपक जाता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनी और इसे अच्छी तरह से मैं टॉस कर लूँगी। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस इसे इस मसाले में मिला के 1 से 2 मिनट हमें भूनना है, बस ये हो जाती है डन। इसे आप बच्चों को खिलाइए, ये बहुत अच्छी होती है। इसे आप लंच में, डिनर में, सवेरे के ब्रेकफास्ट में कभी भी बच्चों को दे सकते हैं। बस वो मैदे की नहीं होनी चाहिए, सूजी की होनी चाहिए। सूजी की पास्ता मैक्रोनी आप जो भी दें बच्चों को तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।